सुजानपुर के विश्वकर्मा चौक से लेकर पुल नंबर 4 तक बन रही रोड का कार्य पिछले काफी लंबे समय से पूरा ना होने के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस कार्य को चलते हुए एक साल से भी अधिक का समय हो गया, लेकिन जबकि एक साल में बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, लेकिन छोटा सा रोड ना बन पाने के कारण लोग पिछले काफी लंबे समय से संताप भोग रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है इस संबंधी उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर गल इदा है कि ही रोड की पिछन जी है ये कोई किसी गलत नक्षत्र जो शुरू किया गया है, क्योंकि साड़ी भी उम्र 65 साल हो गई है, ये कई बार सड़क बनिया ने। जदों भी सड़क का निर्माण शुरू हुंदा सी वह विश्वकर्मा चौंक तो शुरू हुंदा सी ते 4 नंबर तक जांदा सी, मगर इस बार दे जिहड़ा सड़क का निर्माण है बहुत ही गलत ढंग नाल किया जा रहा है। 4 नंबर तो शुरू हो गए तो विश्वकर्मा चौंक वाल लिया रहे सी इहनूं, मगर पता नहीं कि घड़ी का पता नहीं किन उद्घाटन किया सड़क का, जी हले तक 1.5-2 साल हो गया है मगर सड़क पूरी हो नहीं आ रही, क्योंकि लोग तो छोटे छोटे अं दुकानदार इस सड़क तो इन्ने दुखी हो चुके हैं कि इधरों जदों देखो कोई ना कोई 2 दिन बाद 4 दिन बाद सड़क में पुट देंगे, उबड़ खुड़ भी सड़क बन रही है, कोई इनू अपने बराबर नहीं कर रहे, इनू कितों उच्ची है कितने नीवी है, मगर फिर भी चलो उच्ची नीवी बना मगर बना तो सही, क्योंकि 1.5-2 साल जो डैम बन जाता है ये 4 नंबर तो लैके विश्वकर्मा चौंक तक जी जी अपनी सड़क नहीं बन रही, क्योंकि ये मैनू लगता है कि ठेकेदार का जो कसूर है ही है, प्रशासन का बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि प्रशासन ने जिन्होंने ठेकेदार के पैसे देने ने कम से कम उस ठेकेदार को अपने दफ्तर सद के उन्होंने पूछा तो जाए भाई बाऊ जी ये किहड़ा काम है, इन्नी देर में तो लोग ताजमहल बना छड़दे आ, डैम बना छड़दे आ, एक 4 नंबर तो लैके विश्वकर्मा तो चौंक तक जो 500-600 फुट का टोटा होएगा, अगर ठेकेदार इन्ना इन्ना टाइम लगा लगन तो कितना ठेकेदार पूरा करते हैं, इसका मतलब पता नहीं किन्नी कमाई ठेकेदारों जोड़ा इस ठेके से दो इस सड़क से 2 साल लगाते हैं। प्रशासन अगर मंग करना चाहते हैं अं जोड़ा भी काम दिता जाता ठेके से उन्होंने कोई टाइम पीरियड दिता जाए भी इन्ने पीरियड इन्ने टाइम से कंप्लीट किया जाए, लोगों को ना दुखी किया जाए, क्योंकि जेडे आज हर घर गड्डी है, कोई भी बंदा आता गड्डी से आता है कोई पैदल आता है, वो उन्होंने बेचारे इन्नी प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये अपने बिजली ग्राउंड ना हो बिजली ग्राउंड जो रस्ता ना हो इधर तो लोग कोई आ नहीं सकता, और लोग उपरों हो गए 4 नंबर उपरों निकल के अपने उस महल्ले चो आ जाते हैं तो चलो सर जाता है। मैं प्रशासन अगर बेनती करता भी जोड़ा भी ठेकेदार है इन डिसक्वालीफाइड किया जाए, यदि को ठेका खो के कि होर चंगे जो ठेकेदार दिता जाए तो कि जो जो काम है जोड़ा कंप्लीट हो सके। जी असी प्रधान साहब के अगे बेनती करने ये सड़क 2 साल हो गया लगे दे काम पर अजे तक मुकम्मल नहीं हो रही, तो ये वास्ते सोचना चाहिए प्रधान साहब न, बाकी शहर के लोगों भी तकलीफ है इस गल की, लो जी कोई आने जाने लोग परेशान होंगे, तो असं ये चाहते भी चलो सड़क जल्दी जल्दी बनाई जाए, बाकी सब लोग इस गल के हक सड़क बनाई जाए। हाँ जी नमस्कार जी, पहले तो मैं प्रेस का थैंक यू कहना चाहना, बाकी साढ़े सुजानपुर च ना इलैक्शन तो MC इलैक्शन तो पहले ये 4 नंबर तो लैके विश्वकर्मा चौंक तक काम लगे सड़क का विद नालियां दा ते नाल टाइल का, जिहड़ा कि टेंडर का टाइम 6-5 महीने होंदा ते टाइम मेरे ख्याल 2 साल हो गया काम लगे ते काम साडा फिर भी कंप्लीट नहीं होया, कंप्लीट नहीं होया उस तो बाद कि अपने सारे सुजानपुर जिहड़ियां गड्डियां लैके इधरों आते, क्योंकि मंडी तो गड्डी आती नहीं रश होंदा इधरों जिन्हें भी गड्डियां लैके बंदे आते उन्होंने गड्डी अपनी 4 नंबर ही लगाने पैंदियां, तो कोई गड्डी चोरी भी हो जाती है कोई नुकसान कर जाता, उधरों कई जिहड़ी सड़कां बनियां उहदे च इहो जिहा जिहां टोए टिब्बे कहिंदे ना उदां दियां प्रोपर सड़क नहीं बनी दी, मतलब कि जिहड़ी राइट हुंदी राइट नहीं है कि पहले नालों खराब हालत हो गई है सड़क की, और दुकानदारां दा काम भी सारिया का बंद हो गया क्यों रोड ही नहीं चलिया, गड्डियां वाले मोटरसाइकिल वाले कई स्लिप हो जाते कई डिग जाता बड़ा नुकसान होता, साड़ी यही मांग है कि ये काम जिहड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए अच्छे तरीके नाल किया जाए, जिहड़ा कल नूं सानूं दोबारा नूं छेड़ना ना पे, जे अज अं नॉर्मल कर दें कल नूं फिर 2 दिन टुट जाएंगे तो कौन जिम्मेवार है, तो जिहड़ा भी काम। हाँ जी गलती मानते हो गलती तो हुण देखो जी कमेटी की है जिहड़े बैठे आ कमेटी च उन्होंने ही टाइम लाना होंदा काम का उन्होंने ही काम कराना होंदा
उन्होंने चाहिए कि 6 महीने का टाइम आ तो अं 5 महीने च कम करिए 6 महीने का टाइम लैके तो 2 साल च कंप्लीट नहीं हो रहा काम की मंग है सरकार ने मंग यही है कि अच्छे तरीके काम किया जाए वधिया तरीके किया जाए कि जरा दूसरी बार सू फिर 2-4 दिनों काम ना लाना पे।